शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ये विश्व के बेहतरीन आयुर्वेदिक किडनी केंद्रों में से एक है। ये 1937 के बाद से लगातार किडनी के मरीजों का आयुर्वेदिक उपचार कर रहा है। ये धवन परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और डॉक्टर पुनीत धवन उनकी पांचवी पीढ़ी हैं जो कर्मा आयुर्वेदा को अपने अनुभवों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा के CEO डॉक्टर पुनीत धवन एक अनुभवी आयुर्वेदिक किडनी डॉक्टर हैं जिन्होंने अब तक दुनिया भर के हज़ारों मरीजों का इलाज किया है। उनकी उपचार तकनीकों ने कई किडनी मरीजों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना ही ठीक करके दिखाया है। आज हमारे साथ मरीज के रिश्तेदार मौजूद हैं और मरीज का नाम अल्ताब हुसैन जी हैं जिनको किडनी की बीमारी थी, जो कि ढाका बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने अल्ताब हुसैन जी की दोनों किडनी को मात्र कुछ ही महीनों में पुनर्जीवित करके दिखाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने उन्हें डायलिसिस से छुटकारा दिलवाया। क्या नाम है पेशेंट का? नाम है अल्ताब हुसैन। कहाँ के रहने वाले? वो ढाका बांग्लादेश। तो जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी अल्ताब को? अल्ताब हुसैन साहब को किडनी, दोनों किडनी डैमेज था। हमें चेन्नई गया था, चेन्नई CMC मेडिकल में ट्रीटमेंट कराया था। अच्छा। उधर का जो डॉक्टर था वो बोला जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन डायलिसिस और ऑप्शन टू किडनी ट्रांसफर। अच्छा। तो हमने वो कुसूरी लिया नहीं, तो रिपोर्ट लेके दिल्ली पीतम नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा कर्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आया। तो यहाँ से हम दवाया लिया और दवाया एक साल हो गया और धीरे 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 उनका किडनी अच्छा हो गया। पहले से काफी फायदा हो गया। पहले 5 point something था, बढ़ा था, अभी 3 point something। जो एडवाइस किया था वो खाना ही खाता है, तो उसको अच्छा लगता है। बॉडी डे बाई डे गुड फीलिंग होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स आए। अल्ताब हुसैन जी पेशेंट है, ये बांग्लादेश ढाका के पेशेंट है। पॉपुलर डायग्नोस्टिक सेंटर ये कहाँ पड़ता है? ढाका में ही है। ये है आपका हाउस नंबर 67 एवेन्यू 5 ब्लॉक सी सेक्शन 6 मीरपुर ओरिजिनल 10 पलादी ढाका। ढाका की ये रिपोर्ट है। क्रिएटिनिन इनका 3.87 हो चुका है। जब आए थे 7 की रेंज में था इनका क्रिएटिनिन। और डायलिसिस आपको बता दिया गया, डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए। और लेटेस्ट उन्होंने जो टेस्ट कराया बांग्लादेश की लैब से कराया है 31/11/2018 को क्रिएटिनिन 3.87। किस प्रकार से इनको चेंजेस आए, किस प्रकार से इनको रिजल्ट आए, किस प्रकार से इन्होंने डायलिसिस को मात दी और ट्रांसप्लांट को मात दी, वो मरीज के ब्रदर इन लॉ आज हमारे साथ हैं। बांग्लादेश ढाका के निवासी हैं, वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, बिकॉज इनको पता है कि किस प्रकार से इनको फ़ायदा हुआ है। इनके मरीज को डायलिसिस का बता दिया गया था, ट्रांसप्लांट का बता दिया था, वो सब की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। दवाई खाने का बाद डे बाई वो ऐसा अच्छा हो गया। थोड़ा खाने का खाना पीना तो अच्छा ही खाता है और रिलैक्स भी करता है, उसको फीलिंग्स भी आता है। हमें लगता है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, धीरे 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 पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी आप क्या बताना चाहेंगे जो बांग्लादेश के किडनी के मरीज हैं और जो विश्व भर के किडनी के मरीज हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें तो जो किसी का साथ बात हुआ तो किडनी डैमेज हो गया, उनको बोला जो आप वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मत जाओ। हम दिल्ली से एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो कर्मा आयुर्वेदिक नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा NDM बिल्डिंग नंबर 1, वहाँ से जाओ, देखा, इलाज कराओ, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। काफ़ी ठीक हुए और डायलिसिस की जरूरत नहीं, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। गर्व से और खुशी से कह सकते हैं कि विश्व भर में कर्मा आयुर्वेदा के मरीज ठीक हो रहे हैं। हाँ, ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। जो भी आएगा यहाँ से वो रिपोर्ट अच्छा ही बोलता है, वो दवाई या खाने का बाद वो उसको
अच्छा होगा पहले से अच्छा होगा। हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, अटक के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनको फायदा हुआ, किस प्रकार से इनको रिजल्ट आए। और हम खुशी से और गर्व से कह सकते हैं कि किडनी के डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। जैसा कि आपने देखा कि अल्ताब हुसैन जी ने जब अपना पहले चेकअप करवाया था तब उनका क्रिएटिनाइन लेवल 7 के आसपास था, लेकिन कर्मा आयुर्वेदा से इलाज करवाने के बाद कुछ ही महीनों बाद अल्ताब हुसैन जी का क्रिएटिनाइन लेवल घटकर 3.87 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो गया। जैसा कि आपने खुद सुना कि कर्मा आयुर्वेदा ने अल्ताब हुसैन जी की किडनी को डायलिसिस से छुटकारा दिलवाया, अगर आप भी अल्ताब हुसैन जी की तरह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं या डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का सुझाव डॉक्टर पुनीत धवन से लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। किडनी से रिलेटेड नई नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहिए। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।